थ्रिलर सीरीज बेताल का पहला सीजन 4 एपिसोड में बटा हुआ है। लगभग 3 घंटे की सीरीज में एक भी ऐसा क्षण नहीं है जब आप डर के मारे पीले पड़ जाएं या रोमांच के मारे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पहले सीन से ही यह आपको बांध नहीं पाती, लेकिन आप इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि रहस्य पर से पर्दा उठेगा तो कुछ मजा आएगा, लेकिन यह उम्मीद बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है। बेताल देखने के बाद केवल इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया। जिस तरह से हंसाना मुश्किल काम है, वैसे ही डराना भी आसान नहीं है। जिस तरह से बुरी कॉमेडी को ट्रेजेडी में बदलते देर नहीं लगती, वैसा ही हाल हॉरर का भी होता है। बेताल की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी कहानी में पकड़ ही नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है। मूल कहानी के साथ साथ उप कहानियां भी चलती है, लेकिन किसी में भी इतना दम नहीं है कि दर्शक बंधा रहे। किसी भी सिरे को पकड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते और उलझ कर रह जाते हैं। कहानी एक गांव की है जहां नक्सलियों का जोर है। हाईवे बनाने के लिए एक गुफा को तोड़ना है जिसका आदिवासी विरोध करते हैं। उनका कहना है कि गुफा में शैतान का वास है और गुफा को तोड़ने से वह नाराज हो सकता है। इसे अंधविश्वास माना जाता है। उनके विरोध को दबाने के लिए एक बटालियन बाज दस्ता को बुलाया जाता है। वे गांव वालों को रास्ते से हटाकर गुफा का मुंह खोल देते हैं। इसके बाद यह बाज दस्ता मुसीबत में फंस जाता है। गुफा के अंदर शैतान कौन है, इसका भी एक इतिहास है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया। उम्मीद रहती है कि यह सब दिखाया जाएगा कि ये शैतान आखिर क्यों गुफा में कैद है, क्या उनका इतिहास है। अतीत के झरोखे को दिखाया ही नहीं गया, केवल संवाद और एक किताब के जरिए ही इस पर बात की गई है। इस मुद्दे की बात को छोड़कर लेखकों ने सारा ध्यान बेताल के हीरो विक्रम सिरोही पर लगाया है। बार बार दिखाया गया है कि वह एक बेहतरीन सिपाही है, अपने ऑफिसर्स का आदेश मानने में देर नहीं करता, उसमें नेतृत्व के गुण हैं, वह रियल लाइफ हीरो है। ये सारी बातें कहानी के साथ बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती। दर्शक कुछ और देखना चाहते हैं और उन्हें दिखाया कुछ और जाता है, लिहाजा बात नहीं बन पाती। हॉरर के नाम पर ऐसे इक्का तुक्का दृश्य हैं जिन्हें देख डर लगे। लॉजिक की बात करना बेकार है, किंतु परंतु की लिस्ट बहुत लंबी है। क्या आप विश्वास करेंगे कि विक्रम सिरोही की बॉस त्यागी के बाल अचानक काले से सफेद हो जाते हैं? बताया जाता है कि ये शॉक की वजह से हुआ है और सभी यह बात मान लेते हैं। इस तरह की बेतुकी बात देखने के बाद आपकी बेताल को आगे देखने की इच्छा खत्म हो जाती है। पैट्रिक ग्राहम का निर्देशन निराशाजनक है, उन्हें समझ ही नहीं आया कि कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। अतीत और वर्तमान के बीच बहुत ज्यादा असंतुलन है। भूतों की आंखों में लाल बल्ब लगाने से दर्शकों को बहलाया नहीं जा सकता। हल्दी नमक से भूतों को दूर रखने के उपाय अब बहुत पुराने हो गए हैं। बहुत ज्यादा अंधेरा उन्होंने रखा है जिसका कोई मायने नहीं है। कमजोर कहानी और निर्देशन का प्रभाव एक्टर्स के परफॉर्मेंस पर भी पड़ा है। ज्यादातर कलाकारों को समझ ही नहीं आया कि वे क्या और क्यों कर रहे हैं। बेताल एक बेतुकी और बचकानी सीरीज है और इससे बचना चाहिए। इस सीरीज को मैं 5 में से 1 स्टार देता हूँ।